फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर ने आज सबको चकमा दे दिया, जबरदस्त बाउंस बैक दिया और बहुत सारे लोग इसके चक्रव्यूह में आज फंस गए। निचले लेवल से जबरदस्त तेजी बनी है, शानदार 11% की तेजी बनी है और इस फेयर में बहुत सारे लोगों जबरदस्त फंस गए। और ये जो बाउंस बैक आया, इसके पीछे बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट छन छन के आ रही है, उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वोडाफोन आइडिया का भविष्य क्या हो सकता है। क्या आने वाले समय में स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जाएगा या फिर ये वापस नीचे की तरफ ही जाएगा। जिस तरह से आज पॉजिटिव माहौल बना है, क्या ये आगे जारी रहेगा? क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए? तो सारी संभावना को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वोडाफोन आइडिया ने अपना रिजल्ट पेश किया है उसके अंदर क्या कमियां है और उसके अंदर क्या पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। साथ में पॉजिटिव वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो बहुत सारे जो लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रहे हैं उनको भी जानेंगे और जो वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है उसके बारे में भी हम जो है संभावना तलाशेंगे और सब देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वोडाफोन आइडिया में इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो सारी संभावना को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 5.65 पर ओपन हुआ। 5.60 का इसने लो बनाया और इसने 6.85 का हाई बनाया। जबरदस्त माहौल तेजी का बना और एंड में 6.35 पर करीब 10.43% की शानदार तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो करीब 7,24,50,000 का वॉल्यूम BSE में हुआ और सामने 1,77,72,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 24.53%। अगर NSE की बात करें तो 33,59,03,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 10,86,71,000 की डिलीवरी उठाई गई, डिलीवरी का परसेंटेज 32.35%। तो यहाँ पर इंट्राडे बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसी वजह से आज फंस भी गए, काफ़ी ज़्यादा लॉस में आ चुके हैं क्योंकि आज बाउंस बैक दिया इसने। अगर यहाँ पे बाय और सेल की क्वांटिटी की बात करें तो जो बाज़ार बंद होने के बाद करीब 3,56,00,000 बायर खड़े थे और सामने 4,09,00,000 सेलर थे। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 71 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 27 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल भी 27 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज शानदार डबल वॉल्यूम हुआ है, 55 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। इसका लो 4.55 था जो पिछले दिनों बनाया और 13.80 इसका 52 वीक का हाई है। तो अपने लो से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक फिर मजबूत हो चुका है, 6.45 तक पहुंचा है और इसका जो पिवट लेवल है वो ये बता रहा है कि अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि यहाँ पिवट लेवल पे जो इशारा हो रहा है, यहाँ से स्टॉक में अगर गिरने पे जो सपोर्ट था वो था 5.55 का, सेकेंड 5.35 का और थर्ड था 5.10 का, लेकिन स्टॉक उसकी तरफ नहीं ऊपर की तरफ दौड़ा है। तो जो फर्स्ट टारगेट था वो था 6 रुपीज़ का, सेकेंड टारगेट था 6.25 का और थर्ड टारगेट था 6.45 का, जो आज इसने टच किया। इसका मतलब स्टॉक ऊपर की तरफ अब दौड़ने को तैयार हो चुका है और यहाँ से ये जबरदस्त बाउंस बैक देगा और ये अब की बार कल 7 रुपये के ऊपर खुलने की पूरी संभावना बन चुकी है। और एक तरफ जहाँ ICICI डायरेक्ट की तरफ से इसके सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया और कंपनी के ऊपर जिस तरह से उनके सब्सक्राइबर में कमी आ रही है, उनका जो पर कस्टमर जो रिवेन्यू है उसमें भी कमी आ रही है, कारोबार उनका घट रहा है और इस वजह से आगे जाके कंपनी को चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और इस वजह से उन्होंने जो इसका सेल का टारगेट दिया 4 रुपये का, उनका कहना है कि जल्द इसकी प्राइस 4 रुपये आएगी और आपको इसको बेच देना चाहिए। तो उनका ऐसा कहना है ICICI डायरेक्ट का कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन आने वाला है और लगातार जो पैसे चुकाने बहुत ज़्यादा है और इस वजह से कंपनी कैसे भी आगे मुश्किल से रह पाएगी। तो जो लगातार जो ब्रोकरेज फॉर्म है उसके सेल के टारगेट दे रहे हैं, उनका कहना है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन उसके बावजूद भी इसने बाउंस बैक दे दिया है। इस तरफ वोडाफोन भी अपने आप को फिर से उभारने के लिए कोशिश कर रही है। एयरटेल ने पहले डिसीजन लिया था, उन्होंने अपने जो 49 रुपीज़ का सबसे जो छोटा प्लान था जिसमें 1 मंथ के लिए 20 डेज के लिए इनकमिंग फ्री है और साथ में कुछ 35 रुपीज़ की टॉक वैल्यू यूज़ करने को मिलती है, उसको बढ़ा के 79 रुपीज़ कर दिया। तो अब यही स्टेप वोडाफोन आइडिया ने भी उठाया, अपने कुछ प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी 79 रुपीज़ कर दिया है, यानी मिनिमम प्लान अब 79 रुपीज़ का है, यानी किसी को भी कस्टमर को अपनी सर्विस चालू रखने के लिए 79 रुपीज़ को खर्च करना होगा। तो इस तरह से पर कस्टमर 20 रुपये की इनकम बढ़ जाएगी वोडाफोन आइडिया की, तो इससे कुछ इनकी राहत मिल पाएगी। अभी फिलहाल आंध्रा सर्कल के लिए उन्होंने 49 रुपीज़ रखा है, बाकी सारे सर्कल में उन्होंने इसको 79 रुपीज़ करनी शुरुआत कर दी है। तो इस तरह से इसकी वजह से कुछ इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी की संभावना होगी, यानी पर कस्टमर ये प्रॉफिट में अपना बढ़ा पाएंगे क्योंकि लगातार प्रॉफिट घट रही है।
और ये डिसीजन एयरटेल ने और दोनों वोडाफोन ने लिया, इसलिए कस्टमर शिफ्ट होने की संभावना भी बहुत कम है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को हम डिस्कस करें तो रिवेन्यू टोटल 9.6 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रहा है, जो 18.17% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इनकम -7.02 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रही है, जिसमें 39.68% की बढ़त देखने को मिली है, और डायलूटेड ईपीएस -2.44%, जहाँ पर करीब 39.9% की बढ़त देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में -73.13% रहा है, जहाँ पे 26.3% की हमें बढ़त देखने को मिली है। तो अगर इसके रिजल्ट को हम डिस्कस करें फाइनेंशियल ट्रेंड के माध्यम से, तो 2018 में टोटल इनका जो रिवेन्यू था वो 28.95 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ था, और लॉस इनको 4.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का हुआ था। ये बढ़ के 2019 में 42.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनका रिवेन्यू बना, और लॉस हो गया 14.60 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। 2020 आते थे लॉस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, 46.57 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू बना और लॉस हुआ 73.88 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जबरदस्त लॉस। लेकिन 2021 में लॉस में कुछ कमी आई है, 42.36 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू बना और 44.23 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनका लॉस हुआ है। तो इन्होंने लॉस काफ़ी कम किया, जो एक पॉजिटिव सिग्नल कहा जाएगा कि कंपनी ने अपनी लॉस में कमी की है, और इसी का नतीजा है कि स्टॉक में भी थोड़ा सा माहौल तेजी का बना है। लेकिन सबसे बड़ी जो तेजी के पीछे वजह निकल के आ रही है कि सरकार ने बिल्कुल ठान लिया है कि किसी भी तरीके से वोडाफोन आइडिया को डूबने नहीं देना है, वोडाफोन आइडिया को फिर से खड़ा करना है, और इसके लिए जितनी भी जरूरी होगी सरकार अपनी तरफ से अपने पावर का इस्तेमाल करेगी। पिछले दिनों जैसे कि कल ही जो अपील की गई थी वोडाफोन के CEO रविंद्र टक्कर की तरफ से, कि जो इसका AGR है उसका कैलकुलेशन में जो एरर आ रहा है उसको सुधारने का पावर सरकार के पास है, वो उसका इस्तेमाल करें और सरकार AGR हमको कम करके दे। तो इसकी तरफ से पॉजिटिव सिग्नल जो है सरकार की तरफ से मिलने शुरू हुए। अगर सरकार कोशिश करेगी कि इसका जो AGR जो वोडाफोन आइडिया कह रही है उसके हिसाब से उनको कैलकुलेट करके दिया जाए, तो यहाँ पर बड़ी राहत की संभावना बन रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। साथ में निर्मला सीतारमण की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था कि हम तैयार है, अगर हमारे को बेल आउट पैकेज के लिए अगर रिक्वेस्ट की जाती है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, तो हम इसके बारे में आप कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो सरकार ने मतलब ठान लिया है कि किसी भी तरीके से वोडाफोन आइडिया को फिर से खड़ा किया जाएगा, न कि इसको डूबने दिया जाएगा। और उसके पीछे वजह है बहुत बड़ा, एक कस्टमर बेस तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी है इसके पीछे बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी अगर कंपनी डूबती है तो इसके पीछे बहुत सारा जो लेबर वर्क है वो बेरोजगार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे छोटे से छोटे कस्बे और गांव से लेके बड़े शहर में इसके बहुत सारे कर्मचारी है, तो उन कर्मचारियों के रोजी रोटी का संकट आएगा, और सरकार नहीं चाहती कि इस समय जब माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका है कोविड की वजह से, तो ऐसे समय में एक बड़ा रोजगार लोगों के हाथ से छीन जाए और एक निगेटिव छवि सरकार की बन जाए और इंटरनेशनल लेवल पे भी इमेज ख़राब हो इंडिया की, ऐसे सरकार नहीं चाहती। इसलिए वो बेल आउट पैकेज देगी वोडाफोन आइडिया को, और वोडाफोन आइडिया फिर से सर्वाइव कर पाएगा। और जिस तरह से अपनी उन्होंने प्राइस हाइक कर दी है, तो पर कस्टमर उनको 20 रुपीज़ का ऐसे ही बेनिफिट मिलने वाला है, तो बहुत जल्द वोडाफोन आइडिया का जो लॉस है वो धीरे धीरे कम होने की संभावना बन जाएगी, और सरकार ने अगर राहत दी तो वोडाफोन आइडिया फिर से जिंदा हो पाएगा, और इसी का नतीजा है कि आज शानदार तेजी बनी है। तो फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन चुका है, लेकिन फिर भी मेरी राय है कि फिलहाल आप इसमें नई फ्रेश पोजिशन न बनाएं, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक दो दिन के लिए इसका ट्रेडिंग का मूव देखे किस तरह से, अगर पॉजिटिव मूव बनता है तो फिर यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, फिर यहाँ से शानदार तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।